जय माता दी। मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर कैंसर असेंडेंट अप्रैल 2022। कर्क लगन के जातकों के लिए अप्रैल माह का मासिक फल आई आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 4 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका कर्क लगन है, क्योंकि भविष्य कथन लगन से दिया गया है, राशि से नहीं दिया गया है। सर्वप्रथम आपको अपनी जन्म कुंडली को देखना है, उसमें लगन कुंडली लिखा होगा वहां पर लगन में 4 नंबर लिखा हुआ होगा। अब हम बात करें यहाँ पे कर्क लगन के बारे में, जो कि एक जल तत्व लगन है और चर लगन है। इस लगन के जातक अथवा जातिकाएं चर लगन होने के कारण काफी घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, गतिशीलता अधिक पाई जाती है। वे एक जगह ऐसा कह सकते हैं कि एक जगह टिककर काम करना नहीं पसंद करते, उनको बदलाव ज्यादा पसंद होता है, ऐसा यहाँ पर आप समझ सकते हैं। साथ ही कर्क लगन अर्थात चंद्रमा के इस लगन के स्वामी होते हैं, जिसके कारण इस लगन के जातक अथवा जातिकों के अंतर्गत काफी भावुकता पाई जाती है, इमोशनल नेचर पाया जाता है, लविंग एंड केयरिंग नेचर पाया जाता है। वे उनका स्वभाव ममता होता है, ऐसा आप जान सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा ग्रहों में माता है, आप इस प्रकार से समझ ले सकते हैं। तो अब यहां पर हम देखते हैं कि लग्नेश चंद्रमा, अब यहां पर देखिए चंद्रमा का पूरे माह के अंतर्गत गतिशीलता पाई जाएगी। इसके अंतर्गत जब चंद्रमा 12वें घर के अंतर्गत जाते हैं अर्थात मिथुन राशि के अंतर्गत जब जाएंगे 7 से 9 अप्रैल को, तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि आप काफ़ी अकेलापन अपने जीवन के अंतर्गत उस समय में महसूस कर सकते हैं, या फिर आप किसी गहन सोच के अंतर्गत या फिर कल्पना शक्ति आपकी उस समय के अंतर्गत काफ़ी अधिक पाई जाएगी, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। देखिए इस माह के अंतर्गत ग्रह गोचर काफ़ी बदलेगा। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले राहु और केतु का, कि राहु और केतु, राहु वृषभ राशि में एकादश भाव के अंतर्गत गोचर कर रहे थे, वहीं केतु पंचम भाव के अंतर्गत गोचर कर रहे थे। पंचम भाव में केतु के गोचर के कारण संतान पक्ष को लेकर काफ़ी असंतोष कह सकते हैं, शिक्षा के को लेकर या फिर आपकी क्रिएटिविटी को लेकर, पब्लिक परफॉर्मेंस को लेकर काफी असंतोष था, या फिर आपके प्रेम संबंधों में भी काफी तनाव कह सकते हैं, और वहां पर भी आप मतलब एक निर्णय नहीं ले पा रहे थे, उन चीजों को लेकर भी काफी परेशान थे, ऐसा कहा जा सकता है। और पेट से संबंधित परेशानी भी आपको परेशान कर रही थी, ऐसा यहां पर कहा जा सकता है। इसी के साथ राहु एकादश भाव के अंतर्गत गोचर कर रहे थे, जो कि आपको अधिक लाभ की ओर बहुत प्रेरित कर रहे थे। अब उसका मैटर यह करता है कि आपकी जन्म कुंडली के अंतर्गत कैसे योग और दशांत चल रही थी, अगर अच्छी चल रही होगी तो वहां पे राहु सडन तरीके से विदाउट एनी प्लानिंग गेन करा देते हैं और बड़ा गेन बड़ा लाभ आपको दिला सकते थे, ऐसी स्थिति यहां पर थी। अब लेकिन 12 अप्रैल से अब राहु का गोचर राहु मेष राशि के अंतर्गत और केतु तुला राशि के अंतर्गत गोचर करने वाले हैं। इसी के साथ गुरु कुंभ राशि से मीन राशि के अंतर्गत 13 अप्रैल से गोचर करेंगे, और वहीं पर शनिदेव का गोचर 29 अप्रैल से मकर से कुंभ के अंतर्गत हो जाएगा। अब इसी के साथ आरंभ में सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्यदेव कि सूर्यदेव मीन राशि के अंतर्गत 14 अप्रैल तक मीन राशि के अंतर्गत रहेंगे, जो कि आपके धन भाव के स्वामी होकर नवम भाव में संबंध बनाएंगे। तो देखिए आपका धन, आपका जो संचित धन है 14 अप्रैल तक कहा जा सकता है कि ये धन, और साथ ही बुध भी मीन राशि के अंतर्गत 8 अप्रैल तक रहेंगे, वेश बनकर कहा जा सकता है आपका संचित धन खर्च हो सकता है, धार्मिक कार्यों पर खर्च हो सकता है, कोई बड़ी यात्रा पर धन खर्च हो सकता है, वो धार्मिक यात्रा भी हो सकती है, हायर एजुकेशन के लिए आप कहीं ट्राई कर रहे थे तो वहां पर आपका धन खर्च हो सकता है, ऐसा भी कहा जा सकता है, पिता पर खर्च हो सकता है, गुरु पर खर्च हो सकता है। तो यहां पर धन संचित होता, संचित धन खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ पिता की, आपके गुरु की मान सम्मान प्रतिष्ठा ये सब बढ़ने वाले हैं, उनकी पावर उनकी शक्ति बढ़ती हुई दिखाई देगी, ऐसी स्थिति दिखाई देती है। इसी के साथ जब सूर्य मेष राशि के उच्च के हो जाएंगे 14 अप्रैल के बाद, और यहां से 15 मई तक मेष राशि के अंतर्गत सूर्य उच्च के होकर दशम भाव के अंतर्गत जहां पर उनको दिशाबल दिग्बल प्राप्त हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर ये बात तो अच्छी है कि धन भाव के स्वामी कर्म क्षेत्र के अंतर्गत जा रहे हैं, उच्च के हो रहे हैं, तो ये बात अच्छी है कि सूर्य का प्रभाव आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि कर सकता था, लेकिन क्योंकि यहाँ पर राहु भी 13 अप्रैल, राहु का गोचर 12 अप्रैल 2022 से, गुरु का 13 से है, राहु 12 अप्रैल 2022 से राहु भी मेष राशि के अंतर्गत आ जाएंगे, अर्थात जब सूर्य मेष राशि के अंतर्गत आएंगे उसी समय के अंतर्गत राहु भी वहां पर गोचर कर रहे होंगे, अर्थात सूर्य और राहु के द्वारा एक ग्रह नियोग का निर्माण आपके दशम भाव के अंतर्गत होगा। तो ये स्थिति अब ये बताती है कि जैसे कि आपका संचित धन, अगर आप अपने संचित धन को अपने प्रोफेशनल लाइफ अपने कर्म क्षेत्र के अंतर्गत लगा रहे हैं और वो धन भी बड़े लेवल पर हो सकता है और बड़े मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की चाह को ध्यान में रखते हुए अगर आप लगा रहे हैं,
बड़े लाभ को ध्यान में रखते हुए लगा रहे हैं तो वहाँ पर कुछ हद तक ऐसी स्थिति बन सकती है, आपके साथ धोखा हो सकता है या फिर उस धन का नुकसान हो सकता है। मतलब यहाँ पर स्थितियाँ आपको बेहतर होती हुई नहीं दिखाई देंगी। और क्योंकि व्ययेश बनकर बुध भी मेष राशि के अंतर्गत 8 अप्रैल से 25 अप्रैल तक बुध भी गोचर करेंगे, तो 8 से 25 तक व्ययेश भी है, प्राकर्मेश भी है, ये कह सकते हैं कि आपका पूरा एफर्ट रहेगा अपने कर्म क्षेत्र को लेकर। और वहीं पर आप देख सकते हैं कि कर्मेश, खुद कर्मेश वो भी अष्टम भाव में चले गए हैं। मकर राशि के अंतर्गत मंगल 7 अप्रैल तक तो मकर में रहेंगे, वहां तक स्थिति अच्छी है कर्मेश की, ये कहा जा सकता है 7 अप्रैल तक अच्छी स्थिति है, लेकिन 7 अप्रैल के बाद मंगल भी कुंभ में, अर्थात हम देख सकते हैं कि 14 अप्रैल के बाद कि आप इस माह के अंतिम 15 दिनों की हम बात करें तो वो कर्म स्थान के अंतर्गत सावधान रहने के हैं, अच्छे से निर्णय लेने के हैं, सोच समझकर निर्णय लेने के लिए यहाँ पर रहेंगे। साथ ही आपको, क्योंकि सूर्य आपके बॉस हैं या आपसे ऊपर के जो पदवी के लोग हैं, आपसे ऊपर के जो अपर पोस्ट के जो व्यक्ति हैं आपके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत वे हैं, तो हो सकता है उनसे आपका तनाव हो जाए, उनसे आपकी मतलब परेशानियाँ बनती आपके चली जाए, ऐसा कह सकते हैं, उनसे मतभेद की स्थिति बन सकती है या उनकी बातों का फॉलो करना पड़ेगा और वो भी आप थोड़ा परेशानी में रहकर फॉलो कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार का वातावरण आपके कर्म क्षेत्र के अंतर्गत दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ के अंतर्गत सावधान रहना पड़ेगा इस बात को देखते हुए। और साथ ही काम को बहुत ही निष्ठाभाव के साथ आपको करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर इस समय मतलब कहीं ना कहीं बॉस का दबदबा ज़्यादा रहने वाला है इस माह के अंतर्गत, ऐसा कह सकते हैं कि बॉस आपके सर पर खड़े रहेंगे, ऐसी स्थिति आपके जीवन में इस समय के अंतर्गत बनती हुई दिखाई देती है। और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अगर आप कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको अंतिम समय के अंतर्गत रिजल्ट नेगेटिव दिखाई दे सकते हैं, मतलब कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से आप बड़ी पावर के साथ आप दिखेंगे लेकिन कहीं ना कहीं एट लास्ट पॉइंट पर जाकर आप वहां पर रह सकते हैं, ऐसी चूक यहां पर होती हुई दिखाई दे सकती है। ये सब सूर्य के नेगेटिव इफेक्ट और बुध के प्रभाव और मंगल का कुंभ में जाना, अष्टम भाव में जाना, ये नेगेटिव इफेक्ट यहां पर बता रहा है। वहीं पर जो गोचर चेंज हुआ है, मतलब ये इसी महीने के अंतर्गत ऐसा कुछ नेगेटिव आपको दिखाई देगा, लेकिन जो आगे के महीने हैं, क्योंकि यहां पर गुरु बहुत पॉजिटिव हो जाएंगे, गुरु मीन राशि के अंतर्गत आ जाएंगे, वहीं राहु और केतु भी राहु दशम में है, ये स्थिति भी अच्छी है, और शनि की जो दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही थी वो भी कुछ समय के लिए यहां से हट जाएगी, या शनि की दृष्टि जो लगन पर पड़ रही थी वो भी हट जाएगी। अभी हम यहां पर देखते हैं, देखिए सूर्य का प्रभाव हमने देख लिया है, इसके साथ मंगल के प्रभाव को देखते हैं। देखो मंगल यहां पर पंचमेश भी हैं, दशमेश भी हैं, तो पहले मंगल को देखते हैं, पंचमेश बनकर मंगल सप्तम भाव के अंतर्गत गए हैं, पंचम भाव आपके प्रेम संबंधों से भी संबंधित है और त्रिकोण का स्वामी बनकर केंद्र के भाव में गए हैं, उचके हुए हैं, तो स्थिति तो अच्छी है, शनि के साथ है लेकिन, और शनि भी स्वग्रह अवस्था में है, तो ये बात है कि मैरिड लाइफ के अंतर्गत बहुत अधिक लव रोमांस की बात करें वो अच्छा नहीं है, लेकिन स्थितियां आप ये समझ सकते हैं कि हार्डवर्क काफी अधिक वहां पर रह सकता है, हो सकता है कुछ पारिवारिक तौर से, जैसे कि पति पत्नी की पारिवारिक तौर से कुछ जिम्मेदारियां कुछ ऐसी बनी जहां पे हार्डवर्क करते हुए आप दिखाई दे सकते हैं। और मंगल का इफेक्ट झगड़ा तो देता ही है, उन काम को करते हुए कुछ जिम्मेदारियों के काम, क्योंकि शनि का प्रभाव जिम्मेदारी देता ही देता है, कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके वैवाहिक जीवन के अंतर्गत आ रही है, कुछ चुनौतियां आपके जीवन वैवाहिक जीवन के अंतर्गत आ रही है। वहीं पर मंगल के इफेक्ट ने आकर उनमें थोड़ा गुस्सा, जब आप काम कर रहे हैं साथ मिलकर तो हो सकता है कि वहां पर आप एग्रेसिव हो जाए, गुस्सा ज्यादा आने लगे, ये भी स्थिति। साथ ही जो मंगल और शनि का कंबाइंड इफेक्ट, जो सीधी दृष्टियां लगन पर पड़ रही थी, क्योंकि शनि की दृष्टि लगन पर और वो भी कर्क राशि लगन, कर्क लगन है, तो यहां पर एक नेगेटिविटी आपके माइंड में चल रही थी, आप कुछ बहुत कुछ करना चाह रहे थे लेकिन स्लो हो रहे थे धीरे, क्योंकि शनि का इफेक्ट आपके माइंड को, आप बहुत कुछ करना चाह रहे थे लेकिन क्या कर दिया, उसको धीरे कर देता है, ऐसी स्थिति। काम तो बहुत सारे थे और बहुत अच्छे से आप कर भी सकते थे लेकिन कहीं ना कहीं आप स्लो हो गए थे। वहीं पर मंगल ने आकर आपको स्पीड तो दी लेकिन शनि वहीं पर उस चीज को नियंत्रित कर रहे हैं, उसको कंट्रोल कर रहे हैं, उसको स्लो कर रहे हैं, तो एक बेचैनी आपके अंदर 7 अप्रैल तक जब तक मकर राशि के अंतर्गत मंगल रहेंगे तो ये स्थिति आपको दिखाई दे सकती है कि अंदर से एक बेचैनी आपको महसूस होगी, क्योंकि जब हम कुछ करना चाह रहे हैं और कोई हमें रोक रहा है, एक अच्छी एनर्जी के साथ हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं, कोई व्यक्ति हमें रोक रहा है जैसे कि यहां पर शनि के केस के कारण, तो यहां पर एक अंदर से बेचैनी आ जाती है, बड़ा मन विचलित हो जाता है। वैसे भी कर्क लगन है, जरा सा भी कुछ ऐसा इफेक्ट आता है तो व्यक्ति विचलित बहुत जल्दी हो जाता है,
ज्यादा परेशान हो जाता है, मानसिक अशांति ऐसे व्यक्ति को तीव्र गति से हो जाती है, ये भी हम यहाँ पर समझ सकते हैं। इसी के साथ देखिए पंचमेश का मंगल का मकर राशि के अंतर्गत उच्च अवस्था के अंतर्गत जा रहे हैं, साथ ही ये क्योंकि दशमेश बनकर भी गए हैं। अब देखिए दशमेश बनकर चतुर्थ दशम का संबंध बनाया है और दशम से दशम यहाँ पर ये गोचर कर रहे हैं मंगल मकर राशि में 7 अप्रैल तक, तो ये और वहाँ पर शनि भी है, तो ये हो सकता है कि अगर आप कोई सोशल सर्विस या सोशल मीडिया से आप जुड़कर जनता से जुड़कर कोई कार्य कर रहे थे उसके लिए ये समय बहुत अच्छा है, वहाँ पर आप अच्छा एफर्ट करेंगे, क्योंकि शनि का काम है कि अगर आप सेवा से जुड़े कोई कार्य करते हैं शनि पूर्ण रूप से आपका साथ देंगे, आपको पूर्ण रूप से लाभ भी देंगे, नेम एंड फेम भी कराएंगे, सब कुछ अच्छा कराने वाले रहेंगे। लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं कुछ आध्यात्मिक से जुड़कर कुछ सेवा के मार्ग से जुड़कर जो सोशल गरीब व्यक्ति हैं उनको उनके लिए कुछ कार्य करते हैं या जो नीडी पीपल हैं मतलब जो बहुत ज़्यादा जिनको जिस चीज़ की कोई आवश्यकता ज़्यादा है वो चीज़ आपके पास है, अगर उस तरीके से संबंधित कोई सेवा करते हैं तो वहाँ पर शनिदेव पूर्ण रूप से साथ देने वाले रहते हैं। ये स्थिति पता लगती है कि कहीं ना कहीं अगर आप हो सकता है कि आप राजनीति में भी हैं तो ये समय 7 अप्रैल तक आपके लिए अच्छा रहेगा, ये कहा जा सकता है। इसके सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन जो ये सूर्य कर्म क्षेत्र के अंतर्गत जो इफेक्ट आपको बताया है इसका तो आपको विचार करना ही होगा, और खासतौर पर जब 7 अप्रैल के बाद मंगल भी कुंभ राशि के अंतर्गत आ गए हैं तो ये स्थिति आपको देखने वाली रहेगी कि कर्म स्थान के अंतर्गत परेशानियां चुनौतियां आपकी बढ़ती हुई दिखाई देगी, हार्डवर्क आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसके साथ हम बात करेंगे अब बुध की बात कर लेते हैं और पहले इससे पहले शुक्र की बात कर लेते हैं। देखिए शुक्र यहां पर चतुर्थेश हैं और आपके एकादशेश हैं, अर्थात आपके भूमि चतुर्थ भाव आपका मन है, भूमि भवन वाहन सुख सभी प्रकार की खुशियां आपके चतुर्थ भाव हैं। आप इस भाव में केतु भी आ जाएंगे, जैसा कि आप समझ ही चुके हैं 12 अप्रैल से केतु भी आ जाएंगे और चतुर्थेश शुक्र कुंभ राशि के अंतर्गत 31 मार्च से 27 अप्रैल तक कुंभ राशि के अंतर्गत है 31 मार्च से, तो देख सकते हैं कि चतुर्थेश अष्टम भाव के अंतर्गत जा रहा है, अष्टम भाव गड्ढा है, अष्टम भाव समाधि का स्थान है, अष्टम भाव बड़ी परेशानियां चुनौतियां इनका स्थान है। और देखिए अष्टम भाव के अंतर्गत जब आपका मन चला गया अर्थात मन आपका दुखी हो चुका है, क्योंकि काल पुरुष कुंडली के अंतर्गत यहां पर आती है आपकी वृश्चिक राशि जिसमें नीच के माने जाते हैं, तो यहां पर आकर आपका मन परेशान है। लेकिन ये क्या है, ये आपकी हैप्पीनेस है, ये आपकी खुशी है, तो आपकी खुशी कहां जा रही है दुख में, मतलब आपके सुख भी सुख के अंतर्गत इस माह के अंतर्गत आपको ऐसा लगेगा कि आप सुख में भी दुख खोज रहे हैं, ये कह सकते हैं, या सुख में भी दुखी हैं, मतलब सुख है उसके अंतर्गत भी आप दुख महसूस कर रहे हैं, ये भी स्थिति हो सकती है। साथ ही माता को लेकर कष्ट हो सकता है, मन का तो बताया ही है माता को कि चतुर्थेश चतुर्थेश शुक्र अष्टम में गए हैं तो यहाँ और यहाँ पर केतु भी आ गए हैं 12 अप्रैल के बाद, तो ये कह सकते हैं कि इस माह के अंतर्गत आपको अपनी माता के स्वास्थ्य संबंधित या माता को लेकर कष्ट हो सकता है, माता को लेकर परेशानी हो सकती है, इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा। साथ ही भूमि भवन वाहन, इसमें वाहन क्योंकि शुक्र वाहन के कारक ग्रह हैं, अब शुक्र के साथ मंगल वो भी अष्टम भाव के अंतर्गत बैठ गए हैं और ये स्थिति यहाँ पर बताती है कि आपको वाहन चलाते वक्त सावधान रहना चाहिए, अन्यथा यहाँ पर एक्सीडेंट होने की भी संभावना है, क्योंकि चतुर्थेश चतुर्थ भाव जो कि वाहन का है और वाहन कहाँ चला गया, आपका गड्ढे में चला गया एक तरीके से, तो कह सकते हैं कि एक्सीडेंट होने की भी संभावना यहाँ पर प्रबल बनेगी। या आप वाहन चला रहे हैं तो गाड़ी चला रहे हैं स्पीड थोड़ा कम रखिएगा, स्पीड हाई रह सकती है, तो इस प्रकार की स्थिति भी आपके जीवन में बन सकती है। निर्भर करेगा ये सारी बातें आपको हमेशा बताते हैं कि दशा अंतर्दशा कुंडली में क्या चल रही है, क्या कुंडली में ग्रह स्थिति है, हो सकता है कि कुंडली में ग्रह स्थिति अच्छी हो और दशा अंतर्दशाएं भी अच्छी चल रही हो, तो ये इफेक्ट नॉर्मल तरीके से आकर चला जाएगा ऐसा हम यहाँ पर कह सकते हैं। साथ ही साथ आपका मन जा रहा है अष्टम भाव के अंतर्गत कंप्लेन करने में, शिकायतें करने में, आप हो सकता है कि कुछ शिकायतें करते हुए नजर आए या फिर दूसरे लोगों को, हो सकता है कितनी बार जिंदगी के अंतर्गत तो कुछ काम अपने बिगड़ जाते हैं, काम अपने बिगड़ जाते हैं और हम दूसरों को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, कुछ ऐसी स्थिति इस समय के अंतर्गत आ सकती है और वो हो सकता है क्योंकि हमने कर्म क्षेत्र को देख ही लिया है, तो कर्म क्षेत्र में हो सकता है गलती कोई को और कर रहा हो या फिर गलती अपने से भी हो गई हो, लेकिन हम ब्लेम दूसरों को करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं कंप्लेन का संबंध इस माह के अंतर्गत आपके जीवन में आ रहा है, ऐसी स्थिति भी यहाँ पर दिखाई देती है। धन के संबंध को अगर देखा जाए तो आय भाव का स्वामी आपकी इनकम भी अष्टम में जा रही है शुक्र यहाँ पर 27 अप्रैल तक, इसी के साथ 13 तारीख से गुरु मीन राशि में स्वग्रह अवस्था में नवम भाव के अंतर्गत आएंगे, तो यहाँ पर और व्ययेश बनकर बुध भी मीन राशि के अंतर्गत 8 अप्रैल तक हैं, उसके बाद बुध मेष राशि के अंतर्गत चले जाएंगे, यहाँ पर ये कहा जा सकता है
कि आपका धन धार्मिक कार्यों पर भी खर्च होने की संभावना यहाँ पर बनती है, और वो भी उसमें भी हो सकता है कि ज्योतिष वगैरह इन सब चीज़ों गुप्त विद्याओं पर, क्योंकि यहाँ पर आयुष बनकर अष्टम भाव में जा रहे हैं, गुप्त विद्याओं पर भी धन आपका खर्च हो सकता है। एक धन गुप्त विद्याओं पर भी कह सकते हैं, और हो सकता है कि अगर एक्सीडेंट होता है तो वहाँ पर भी इत्यादि चीज़ों में भी वहाँ पर धन खर्च हो सकता है, या आकस्मिक रूप से कोई दुर्घटना घटित हो रही है उन चीज़ों में भी धन वहाँ पर खर्च हो सकता है, ये भी कहा जा सकता है। इसी के साथ ये भी कहा जा सकता है कि यहाँ पर आपका धन जो ससुराल पक्ष है वहां पर भी इस तरीके की स्थिति हो सकती है कि वहां पर धन खर्च हो रहा हो, ऐसी स्थिति वहां पर भी बन सकती है आपके चार्ट के हिसाब से, वो आपको देखना होगा आपकी जन्म कुंडली के अंतर्गत क्या ग्रह स्थिति है, तो ये स्थिति भी यहां पर पता लगती है। इसी के साथ यहां पर जीवन साथी की जो वाणी होगी, क्योंकि अभी तक शनि मकर में ही रहेंगे, 29 अप्रैल से कुंभ में जाएंगे, उसके बाद की बात अलग है, वो अगले महीने के अंतर्गत हम कवर करेंगे। इसमें देखिए शुक्र और मंगल का इफेक्ट जीवन साथी की वाणी भाव पर, तो वाणी भाव पर वो कुछ मतलब यहाँ पर कह सकते हैं कि दोनों ही तरीके का, एक मीठा शुक्र का प्रभाव वाणी को कोमलता भी प्रदान कर देता है, सॉफ्ट स्किल्स देता है, साथ ही मंगल एक स्पीड भी देता है, कड़वाहट भी देता है, कड़वी वाणी व्यक्ति बोलता है, तो दोनों ही तरीके के वहाँ पर आपको दिखाई देंगे, ऐसी स्थिति वहाँ पर दिखाई देती हुई आपको दिखाई देगी। इसमें देखिए अब यहाँ पर बुध का जो इफेक्ट है, बुध के केस को अगर हम देखें तो बुध वेश बनकर भी मीन राशि के अंतर्गत 8 अप्रैल तक है, उसका मेष राशि में 25 अप्रैल तक है, 25 के बाद बुध वृषभ राशि के अंतर्गत चले जाएंगे, अर्थात 25 तारीख के बाद आपका सारा ध्यान एकादश भाव लाभ की ओर आय की ओर विशेष रूप से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और वहीं पर शुक्र मीन राशि के अंतर्गत भी चले जाएंगे 27 अप्रैल के बाद, तो कह सकते हैं कि 27 अप्रैल के बाद स्थिति काफ़ी बेहतर होती हुई दिखाई देंगी, आपके बुध की स्थिति अच्छी हो जाएगी, आपके शुक्र की स्थिति भी अच्छी हो जाएगी, और यहां से आपका कहा जा सकता है कि आप अगर, क्योंकि राहु और केतु का संबंध भी जो दशम में और चतुर्थ में बना हुआ है, चतुर्थ भाव में केतु मतलब आपको बर्थ प्लेस से दूर, क्योंकि यहाँ पर चतुर्देश भी अपने से अष्टम हो जाएंगे और ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। इसी के साथ यहाँ पर वेश बनकर बुध का संबंध भी चतुर्थ से अष्टम भाव के अंतर्गत हो जाएगा, और ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है कि अगर आप बर्थ प्लेस से दूर जाना चाहते हो, राहु दशम में है ही और शनि की दृष्टि भी लगन पर है, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि चतुर्थ भाव पर भी आ रही है लगन के साथ साथ, तो ये अगर आप फॉरेन से रिलेटेड अगर आप प्लानिंग करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। ये समय अब आगे चलकर अप्रैल से के लास्ट से कह सकते हैं, अप्रैल के लास्ट से आगे चलकर आपका फॉरेन जाने का, बड़ी यात्राएं होने का योग बन रहा है, ये की स्थिति अच्छी स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही देखो आप सबसे पॉजिटिव बात यह है कि गुरु मीन राशि के अंतर्गत आकर आपके नवम की शोभा बढ़ाने वाले हैं, लगन की शोभा बढ़ाने वाले हैं और आपके पंचम भाव की शोभा बढ़ाने वाले हैं, अर्थात इन भावों पर गुरु अपनी अमृत दृष्टि बरसाने वाले हैं, जिससे उन सब चीज़ों में विशेष रूप से लाभ होगा। अभी तक आपके बुद्धि पर कह सकते हैं, आपके सर मतलब दिमाग में कह सकते हैं कि एक नेगेटिविटी चल रही थी, लेकिन अब गुरु अपनी शुभता पूर्ण रूप से 12 अप्रैल के बाद से कहीं ना कहीं शुभता, क्योंकि अभी शनि की भी दृष्टि पड़ती रहेगी 29 तक, तो यहाँ पर रहेगा कि गुरु अपनी शुभता दिखाने वाले हैं, मतलब आपकी नॉलेज आपकी बढ़ने वाली है, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा आपका साथ ही आपके चेहरे पर तेज आने वाला है, ये भी स्थिति कह सकते हैं, क्योंकि शनि का प्रभाव आपको काफ़ी हार्डवर्क करा रहा था, काफ़ी मेहनत करा रहा था, और हो सकता है कि चेहरे पर भी उदासीनता आ रही हो, इस तरीके की चीज़ें आपके जीवन में आ रही थी, और शनि का प्रभाव आपके वैवाहिक जीवन के अंतर्गत भी उदासीनता और शकी स्वभाव, इस तरीके का वैवाहिक लाइफ पार्टनर का स्वभाव बन रहा था, ये भी स्थिति कह सकते हैं, और साथ ही आप भी खुद से भी थोड़े कमजोर महसूस अपने आपको कर रहे थे, काफ़ी थके हुए महसूस कर रहे थे शनि, क्योंकि इतनी मेहनत करा देते हैं थकावट लेकर आ जाते हैं, लेकिन वहीं गुरु, क्योंकि शनि मतलब आपके मजदूर वर्ग को भी मतलब यहाँ पर इंडिकेट करता है, तो कह सकते हैं कि वो किस तरीके से बहुत हार्ड वर्क करते हैं, फिजिकल वर्क करते हैं, लेकिन गुरु क्या करते हैं, स्मार्ट वर्क करते हैं, ज्ञान का कार्य रहता है वहां पर, कुछ नहीं होता वहां पर, आप कह सकते हैं कि दिमाग अपने उसको अपने स्किल्स को अपनी नॉलेज को और इन्हीं सब चीजों को यूज करके करना होता है, तो यहां पर कह सकते हैं गुरु की पांचवी दृष्टि ज्ञान दृष्टि आपके लगन पर पड़ेगी, तो अब आपके दिमाग के अंदर एक पॉजिटिविटी आती हुई दिखाई देगी, आप एक अच्छा सोच सकोगे, अच्छे अच्छे विचार आपके दिमाग में आएंगे, और फिर जब अच्छे विचार आएंगे उन पर आप कार्य करोगे, और वहां पर राहु भी अच्छे डिजायर्स आपको देगा कर्म क्षेत्र के अंतर्गत टॉप पर जाने के लिए, और अगर आपकी दशा अंतरदशा कुंडली में अच्छी है और योग अच्छे हैं तो यहां पर आपको कोई भी रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से, ये कह सकते हैं, और भाग्य का साथ गुरु यहां पर आपको पूर्ण रूप से दिलाने वाले रहेंगे। इसी के साथ गुरु की सातवीं दृष्टि पांचवी दृष्टि लगन पर, सातवीं दृष्टि पराक्रम भाव पर रहेगी, तो पराक्रम में विशेष रूप से वृद्धि करने वाले होंगे, कुछ लेखन के कार्य में करोगे तो वहां पर विशेष रूप से आपकी तरक्की होगी, उन्नति होगी, मतलब कुछ अच्छा लिख सकोगे उस समय के अंतर्गत, ये स्थिति भी यहां पर पता लगती है। और छोटे भाई बहनों के लिए देखिए मंगल की आठवीं दृष्टि रहेगी
जब कुंभ राशि के अंतर्गत मंगल चलेंगे 17 मई तक रहेंगे तो थोड़ा सा छोटे भाई बहनों के साथ तनाव की स्थिति देंगे, परेशानी देंगे, लेकिन गुरु की स्थिति इन सब चीज़ों पर नियंत्रण बनाए रखेगी, कोई ऐसा नेगेटिव इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा खास तौर पर जो बड़ा। लेकिन यहाँ पर गुरु की नवी दृष्टि आपके पंचम भाव पर है। अभी तक अगर आप प्लानिंग कर रहे थे, चाइल्ड प्लानिंग सो कर रहे थे लेकिन कुछ हो नहीं रहा था, तो अब यहाँ पर संतान प्राप्ति के अच्छे योग हैं, संतान से सुख की कामना करते हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छे योग इस समय के अंतर्गत बनेंगे और आपके प्रेम संबंधों में भी सुधार आता हुआ दिखाई देगा। खास तौर पर ध्यान रखिएगा, ये गुरु के कारण हमने प्रेरित किया है, लेकिन अभी मंगल कुंभ राशि के अंतर्गत 17 मई तक हैं, तो यहाँ पर हम बता रहे थे पंचमेश बनकर भी मंगल अष्टम में गया है, मतलब पंचमेश बनकर मंगल अष्टम में गया है तो इस माह के अंतर्गत, तो क्योंकि गुरु की नवी दृष्टि है तो बचाए रखेंगे, बात तय है कि कोई बहुत अधिक अनहोनी नहीं होने देंगे, मतलब कुछ बहुत अधिक नेगेटिव नहीं होने देंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि गुरु की नवी दृष्टि अमृत समान दृष्टि है तो संतान सुख वगैरह बढ़ाएंगे। लेकिन जब तक पंचमेश की स्थिति अच्छी नहीं है तो कहीं ना कहीं आपके संतान का ध्यान तो गलत जगह है, ये कहा जा सकता है, या संतान मतलब गुरु का आशीर्वाद तो मिल रहा है लेकिन संतान की स्थिति अच्छी नहीं है, पंचमेश की स्थिति अच्छी नहीं है और उनका गलत जगह ध्यान कह सकते हैं, ये स्थिति यहाँ पर कहा जाएगी। और आपके प्रेम संबंधों के अभी इस समय इस माह के अंतर्गत अच्छा नहीं कहा जाएगा, ये कहा जाता है। साथ ही गुप्त रूप से प्रेम संबंध बनने की, मतलब हो सकता है प्रेमी छुप रहा हो, प्रेमी या प्रेमिका कहीं किसी दूसरे व्यक्ति के साथ हो और छुप रही हो, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर पंचमेश अष्टम में गया, अष्टम भाव हिडन सीक्रेसी का है, गुप्त चीज़ों का है, तो हो सकता है वे गुप्तता से आपके आपसे पीछे भाग रहे हो, मतलब छुपकर आपसे भाग रहे हो, ऐसा कहा जा सकता है। तो ये स्थिति बनती है यहाँ पर। और खास तौर पे देखिए यहाँ पे बुध राहु का भी कॉम्बिनेशन है, बुध मीन राशि के अंतर्गत भी है, तो इस माह के अंतर्गत शेयर मार्केट को लेकर भी, और पंचमेश भी अष्टम में गया है, शेयर मार्केट को लेकर ज़्यादा इन्वेस्ट करने का मत सोचेगा इस समय के अंतर्गत, ध्यान रखेगा, केयरफुल रहेगा। इस समय आप थोड़ा सा स्टडी कर सकते हैं, उसके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि 12 अप्रैल के बाद गुरु की नवी दृष्टि पड़ेगी, तो अच्छा से पढ़िएगा, ध्यान से उसको मतलब सीखिएगा, कुछ नया आप उसमें रिसर्च कर सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा है। और आगे चलकर आप अगर उसमें इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि इस महीने के अंतर्गत स्थिति अभी अच्छी नहीं है, आगे चलकर करेंगे तो आपको फायदा देने वाली रहेगी। वही हमने बताया गुरु की नवी दृष्टि भाग्य की दृष्टि रहेगी, तो ये देखिएगा संतान वगैरह, संतान से प्रेम संबंधों में, या आपके ज्ञान के लिए, या आपके शेयर मार्केट से रिलेटेड चीजों में आगे चलकर गुरु आपको बहुत फायदा देंगे, मतलब अगले महीने की हम बात करेंगे तो वहां पर आपको अच्छा फायदा, अच्छा लाभ भी आपको देते मिलेंगे, तो इस महीने के अंतर्गत आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। इसी के साथ देखिए शुभ दिन कौन से दिन आपके लिए शुभ हैं, 1 से 2, 4 से 7, 9 से 12, 12 से 14, 14 से 16, 27 से 29, ये दिन आपके लिए शुभ है। शुभ दिनों के अंतर्गत कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, और अशुभ दिनों के अंतर्गत 7 से 9, 20 से 22, 25 से 27, ये दिन आपके लिए शुभ रहेंगे। इस समय के अंतर्गत कोई तनाव, कोई परेशानी, कोई झगड़ा, कोई रोग, इस तरीके की चीजों का संबंध आपके जीवन में आ सकता है। यात्रा के योग अकस्मात रूप से यात्रा 20 से 22, 25 से 27 को हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा करना चाहते हैं तो 22 से 25 का दिन अच्छा रहेगा। धार्मिक अतिरिक्त यात्रा करना चाहते हैं 1 से 2, 27 से 29, इन दिनों में प्लानिंग करोगे तो अच्छी रहेगी। और अस्पताल का संबंध या व्यय खर्चा ज्यादा रह सकता है, 7 से 9 का दिन रह सकता है। कष्ट के साथ यात्रा 14 तारीख से 16 तारीख का दिन रह सकता है। अमावस्या 1 अप्रैल 30 अप्रैल इसकी है। चैत्र नवरात्रि 2 अप्रैल से आरंभ है, 11 अप्रैल तक है। और उपाय के तौर पर आपको इस माह क्या करना चाहिए, एक तो देखिए कार अपनी वाहन तो आपको धीमे ही चलाना चाहिए, स्पीड नहीं रखनी चाहिए, और माता की सेहत का ध्यान रखना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करिएगा। बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाइएगा और शनिवार के दिन गरीबों को भोजन आप कराते रहिएगा, ये आपके लिए अच्छी रेमेडी रहेगी, तो ये सब करते रहिएगा। साथ ही आप महामृत्युंजय मंत्र भी अपना जाप कर स्टार्ट करिए, क्योंकि आगे चलकर आपको ये फायदा ही देगा, क्योंकि यहाँ पर केतु भी चतुर्थ भाव में और साथ ही शनि भी अब कुंभ राशि के अंदर 29 अप्रैल से आ जाएंगे, तो अपना महामृत्युंजय आप आरंभ कर देंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ये आपको फायदा ही देने वाला रहेगा। इसमें कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।